18th birthday and of course launch of the song. So we giving the mic to you to please start the evening. Hello everybody, thank you so much yahan aane ke liye. Aur I am on the top of the world actually. It's my 18th birthday aur gana launch hua hai aur maine hi laya hai. तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए मुझे. मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मतलब नर्वसनेस इतनी ज़्यादा थी कि मेरी बर्थडे की एक्साइटमेंट कम हो गई थी और नर्वसनेस बढ़ गई थी कि कैसा लगेगा लोगों को गाना. बट बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं और अब मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ. आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू डैडी. डैडी बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे और फाइनली मेरे 18th बर्थडे पर ये पॉसिबल हो पाया है. एंड थैंक यू सर. He's like the best. और सबसे अच्छे director हैं, सबसे अच्छे music composer हैं and I am the most comfortable with him on the sets. हाँ इसमें तो मैं हूँ. And of course Rohan has been so nice on the set. हम पहली बार हमने साथ में काम किया और मेरी debut album मैंने Rohan के साथ start किया. So yes, thank you everybody, पूरी entire team, Rahul ji और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की. सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आप लोग आज एंजॉय करेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड फॉर ऑल द विशेस एंड ऑल वी नीड इज योर सपोर्ट एंड योर ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच. रोहन एक्चुअली थैंक यू सो मच राम जी यॉकिंग रोने के लिए. ये मेरा तीसरा गाना है इनके साथ और एक और गाना हम ऑलरेडी शूट करके आए हैं. चौथा चार हो गया इनके साथ. तो मतलब इतना ट्रस्ट करते हैं मुझे, बहुत अच्छा लगता है. एंड जन्नत हैप्पी बर्थडे वंस अगेन. और ये हमारी तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट था. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मुझे पता चला कि इश्क फर्जी गाना है, इन्होंने मुझे बताया और बोला कि जन्नत गा रही है, तो मैंने कहा मतलब मैं आई वाज़न्ट श्योर टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन जिस तरह से आपने गाया है यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर जन्नत, बहुत अच्छा गाना गाया. मतलब हमने इनको टिकटॉक पर देखा है, फिल्मों में देखा है. कुछ बचेगा और मतलब सब कुछ करना है लाइफ में. बट ट्रस्ट मी यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर सिंगिंग में भी. और ये गाना तो हिट है, ऑलरेडी 10 करे हम लोग, तो बहुत अच्छा लगा. सो या लाइक जुबेर जी टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स. सर प्लीज आइए आप. ही इज बीन द बैकबोन ऑफ द प्रोजेक्ट. सो हाँ थोड़ी सी एक्टिंग कर ली उसमें. 3, 2, 1 उसके बाद ओके गो. थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर योर सपोर्ट. एंड जन्नत का ये पहला गाना है डेब्यू सिंगिंग. और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि जन्नत का एक्टिंग तो कर ही है, इसको गाना वाना भी गवाना चाहिए. और ये भी डिसाइडेड था कि एल्बम में करेंगे पहले. बट अभी जो इसका 18th बर्थडे पे ये गाना आया, वो मुझे इससे अच्छा दिन कोई मिल नहीं रहा था. 18th बर्थडे से अच्छा कोई दिन ही नहीं मिल रहा था कि इसको लॉन्च करें एज अ सिंगर. और इन द मीन टाइम जैसे कि माय बेस्ट फ्रेंड राम जी और बहुत सारे गाने हमने सुने और एट लास्ट मुझे ये गाना पसंद आया और हम लोगों ने फौरन डिसाइड किया और शूट कर लिया और आज ये गाना आप सबके सामने. थैंक यू. हाँ एग्जैक्टली बहुत. जब ये गाना बना नहीं था, मेरी कुछ ऐसी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं हुई थी गाने को लेकर, गाना डिसाइडेड नहीं था. उन सबसे पहले गाने की डेट डिसाइडेड थी कि लॉन्च 29 अगस्त को होना है और उसके पहले कुछ डिसाइडेड नहीं था. गाना क्या है, गाना कैसे है, कब है, कुछ भी नहीं. डेट पहले डिसाइड हो गई थी. तो ये तो पहले से दिमाग में था कि गाना तो 29 अगस्त को है, उससे पहले कभी भी शूट करो, कैसे भी फाइनल करो, कैसे भी लॉन्च करो. उससे पहले ये भी डिसाइडेड था कि जन्नत गाना गाएगी और जन्नत ने गाना गाया. फिर बाद में डिसाइड हुआ किस दिन कौन सा अच्छा दिन होगा और ये जन्नत के बर्थडे में ही सबसे अच्छा दिन मिला. और रिजल्ट्स आपके सामने, बहुत जल्दी कल ट्रेंडिंग में आने वाला है. आप सब लोग देखिएगा. आ चुका. हाँ आ चुका हूँ कि बैकेंड्स में काफ़ी नंबर्स हैं और अभी उतना शो नहीं कर रहा है. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. थैंक यू. सो वी हैव कुमार जी, वी वर रियली वेटिंग फॉर यू. वेलकम. हेलो सुकुमार जी, हमने अभी भी वीडियो देखा है तो कुछ ये जो इतने इतनी अच्छी लिरिक्स है और इतना इतने प्यारे अल्फाज और इतने अच्छे ये गाना, इसलिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा था कि बहुत ही इजी वर्डिंग्स थी. मतलब किसी को भी फट से वो गाने लगेगा, मतलब बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बहुत अच्छा सा एकदम. कोई भी लाइन सुनेगा तो फौरन वो गुनगुनाने लगेगा, गाने लगेगा. नाउ ओवर टू
कुमार साहब. गुड इवनिंग जी. गाना तो आ गया नेट पे, आपने देख लिया होगा. और जैसे इन्होंने बोला, मुझे लगता है सिंपल शब्दों में जो बात कन्वे होती है ना, वो मेरे से मुश्किल शब्दों में नहीं हो पाती. तो कभी कभी हुक लाइन का ज़माना है, तो एक टैग लाइन जिसको बोला जाता था पहले, उसको हुक लाइन का अब बोला जाता है. इश्क फर्जी है, तो वो फीलिंग शायद सोसाइटी में कनेक्ट होती है, इसलिए मैंने वो लिख दिया. होप कि, और उसमें आज खास दो तरह की बातें, एक तो गाना है, दूसरा जन्नत ने पहली बार गाना गाया है, पहला डेब्यू है. सलमान सर का भी गाना मैंने लिखा था हैंगओवर, और मैं हूँ हीरो, तो उनका भी हिट हुआ था गाना. तो इनका बड़ा गाना हिट हो. और रोहन के साथ तो पहले भी हमने वीडियो किया है जन्नत के. और राम जी बिलाटी लाइक हमारे ब्रदर हैं, और वीडियो बनाते हैं, लेकिन म्यूजिक भी बहुत अच्छा करते हैं, खुद गाते भी बहुत अच्छा है. सबको कांग्रेस गाने के लिए. और जैसे कि गाने हिट होते हैं हमारे, हम चाहते हैं कि ये भी सुपर डुपर हिट गाना हो आपकी आवाज़ में, खास करके ये. थैंक यू. So Ramji, this was a wonderful video and amazing composition as always. So please, it's a special day and we want to hear a few words from you. It's always been a pleasure when I'm working with Kumar Veerji. It's an honor for me to ever, you know, compose music with him on the lyrics. And सबसे अच्छी बात, और ये लग रही थी कि जन्नत was singing for the first time. And when I spoke this to a couple of people, they said, "Yeah, अरे यार, does she really sing?" And I was just saying them, you know, that wait for 29th of August, and you've always seen her acting so well, and now you will see one more talent of hers, the hidden talent as a singer. और इतना जब गाना बना, हमें इतना confidence आया, इतना अच्छा गाया जन्नत ने, that even Zee Music and all of us together, we took a decision that this will go out on 29th, out and out. And Jannat, this is an amazing.